दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर जो वीडियो आज मुझे अपलोड करना था, क्योंकि रात को लाइव में मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है क्योंकि सुबह मैं जो किराया माफी मामला जो चल रहा है, कमरा किराया माफी अभियान, उसमें कई अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने मार्च का किराया दे दिया था, फोन करके कह दिया था कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, किराया नहीं दे पाएंगे। तो कई मकान मालिकों से उनकी तू तू मैं हुई, मकान मालिकों ने सामान जब्त कर दिया, ताला लगा दिया। उसके बाद मैं उन लोगों को लेकर मैं जिला कलेक्टर साहब के वहां गया। कलेक्टर साहब बिजी थे मीटिंग में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा और फिर थाने की मदद से उनका किराया माफ करवाया। और उसके बाद सीएमओ से बुलावा आ गया, मैं सीएमओ खुद जाकर आज और विभिन्न भर्तियां जिनकी भर्तियों का परीक्षा परिणाम जारी होना हो और जिनका परिणाम जारी हो गया, चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का मामला हो, एलडीसी भर्ती 2018, संस्कृत विभाग है, यूनानी होम्योपैथिक, जो तमाम सैनिक कल्याण बोर्ड है जिनमें नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है, उनका मामला हो, चाहे सांख्यिकी का मामला हो, तो अलग अलग जो लंबित भर्तियां उनको लेकर, नई भर्तियों को लेकर, उनकी विज्ञप्तियों को लेकर, आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कराने को लेकर, फर्स्ट ग्रेड और एएन भर्ती उनके परीक्षा का परिणाम हो, तमाम भर्तियों के मामले मैंने आज सीएम सचिव साहब के सामने लिखित में मैं वहां सीएमओ में जाकर आज फिर दे के आया हूं। दोस्तों प्रयास हम कर सकते हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं, मैं खुद जाकर आज मैं लेटर दे के आया। अब मैं चर्चा कर रहा हूं रीट शिक्षक भर्ती 2020 की। लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है आजकल, जो नए कई बेरोजगार आए हैं, जो जिन्होंने बीएड एसटीसी हाल ही में किए हैं, उन लोगों के क्या है कि एक बड़ा अभियान चल रहा है कि दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम का लिंक डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है, फेसबुक का डाला है, आप इस ग्रुप में जुड़ जाए और उन ग्रुप में जोड़कर उनको भ्रमित करने का काम कर रहा है। साथियों वो लोग वही हैं, केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य वेबसाइट के माध्यम से आपसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्यता आप जानने हो तो सत्यता के लिए हमारा वीडियो देखिए, आपको सच्चाई का पता चलेगा। रीट शिक्षक भर्ती 2020 की तैयारी करने वाले सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर देखें और सत्यता जाने तथ्यात्मक। क्योंकि 2011 और 12 से हमारे संघर्ष की शुरुआत हुई है, मैं तभी की चर्चा कर लूं। 2012 में 39,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती कांग्रेस सरकार ने निकाली थी, लेकिन उस समय आरटेट होता था। 31 जुलाई 2011 को पहले पात्रता परीक्षा की गई, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि आरटेट की एग्जाम हुई, उसमें 60% सामान्य श्रेणी और ओबीसी पुरुष और जनरल महिला और इनके लिए 50%, फिर 45% और 36% टीएसपी के लिए ऐसे छूट का दायरा रखा गया और 7 साल की वैधता रखी गई। 2 जून 2012 को उसकी एग्जाम हुई, पात्रता जिन लोगों ने पात्रता प्राप्त कर ली थी आरटेट की, उसको 7 साल का सर्टिफिकेट मिला था और वो पात्रता हासिल करने के बाद शिक्षक भर्ती अलग से हुई, उसकी हुई 2 जून 2012 को 39,000 से ज्यादा पदों पर। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई, करीब सेकंड लेवल के कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी और उस दौरान हाई कोर्ट की एकल पीठ में कोर्ट ने स्टे दे दिया कि आरटेट में जो छूट दी गई है कि जनरल कैटेगरी के लिए 60% और लोगों को जो 36 है टीएसपी को छोड़ो, उसके अलावा 40 तक दी गई थी जिसमें विकलांग दिव्यांग ये जो सब लोग शामिल थे, तो 20% जो छूट दी गई वो गलत है, बहुत ज्यादा दे दी गई है, नियमों के विरुद्ध ये कोर्ट में याचिका लगी थी, कोर्ट ने स्टे दे दिया तो कई लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। उससे पहले हमारा आंदोलन था आरपीएससी से एग्जाम हो, एसटीसी बीएड वाला जो भी मामला था, उस समय हमने आंदोलन शुरुआत कर दी थी। उस समय वो अभ्यर्थी हमारे पास पूछे, उस समय हमने मामला उठाया, हमने शिक्षा संकुल पे धरना दिया और लगातार धरना प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज हुआ, जेल भी गए, उस समय कांग्रेस सरकार थी। फर्स्ट लेवल वालों की ज्वाइनिंग रुकी पड़ी थी, उसके लिए धरना दिया, फर्स्ट लेवल वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई 60 से ऊपर वालों को, सेकेंड लेवल वालों को 60 से ऊपर वालों को ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन 60 से नीचे वाला मामला कोर्ट में अटक गया। वैसे हालांकि एकल पीठ ने 55% का निर्णय दिया था, केवल 5% का। धरना प्रदर्शन हुआ, अनशन हुआ, हंगामा हुआ। उस समय 2012-13 में चुनाव होना था, राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चाएं का दौर शुरू हो चुका था, लगातार यही था कि अब चुनाव में कौन बाजी मारेगी, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। तत्कालीन
भाजपा के सबसे बड़े नेता नेत्री माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जब विवाद आरटेट का हुआ, मुझे आज भी याद है कि हम वसुंधरा राजे जी से मिले थे, हमने बात रखी थी, हमारा धरना प्रदर्शन जब हमारे साथी अनशन पे थे, मैं खुद अनशन पे था, 13 दिन में उसमें अनशन रहा था, माननीय महेश जोशी जी ने मेरा अनशन तोड़वाया था। 3 जुलाई 2013 को जो आरटेट वाला मामला था, जो एकल पीठ ने 55% का निर्णय दिया था, जिसकी वजह से काफी लोग बाहर हो गए थे और काफी लोगों को बाहर किया, एक तरह से उनको नियुक्ति प्रक्रिया नहीं चयनित तो हो चुके थे, क्योंकि उस समय कहा गया था 40-45-50 आपको बनाने की पात्रता परीक्षा है और शिक्षक भर्ती अलग से होती थी, उस शिक्षक भर्ती में लोगों का अच्छे नंबर आए। कोर्ट से स्टे आने के बाद, स्टे के फैसला आने के बाद फिर मामला डिवीजन बेंच में किया, हमारा धरना प्रदर्शन रहा, हमने कहा एडवोकेट जनरल को उतारा जाए, उन्होंने एडवोकेट जनरल को उतारा और 2 जुलाई या 3 जुलाई की बात है 2013 में हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि 60% किया जाएगा सभी के लिए, जो लग गए उनको भी हटाया जाए और दोबारा से परिणाम जारी किया जाए। वहां कुछ एडवोकेट्स की भी लापरवाही थी, अधिकारियों की लापरवाही थी, हमें गुस्सा था, जोश था, युवा जोश था। आज भी याद है 3 जुलाई 2013 को हमने नेहरू गार्डन से सब यात्रा निकालते हुए रामबाग सर्किल, रामबाग सर्किल से अंबेडकर सर्किल और विधानसभा की तरफ 144 सिंह कूच कर दिया, लाठीचार्ज हुआ और मुझे जेल में डाल दिया गया ज्योतिनगर थाने में। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने SLP लगाई, 26 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे आया, यानी कि रोक लगा दी गई और भर्ती प्रक्रिया खोलने का रास्ता खुल गया। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2012 के जो वंचित अभ्यर्थी उनको ज्वाइनिंग दे दी सितंबर में 2012 में, लेवल फर्स्ट और सेकंड के जिनके 60 से कम थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, विकास कुमार अग्रवाल बनाम सरकार, हम भी उसमें पार्टी थे। फिर सरकार ने एक और वैकेंसी निकाली 20,000 पदों पर, शिक्षक भर्ती 2013, और नई भर्ती निकालने के लेकर हम प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षा संकुल में हमारा प्रदर्शन चल रहा था। उस दौरान वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो आरटेट खत्म कर देंगे। दोस्तों, उसमें विवाद था आरटेट का, जो आरटेट का जो परिणाम आया था उसमें मात्र 9% जनरल के अभ्यर्थी पास हो पाए थे। इसके अलावा और भी कई लोग, क्योंकि जो 60 से कम वाले थे वो कोर्ट में भर्ती अटकने से वो भी दुखी थे, तो सबकी मनसा थी कि आरटेट को खत्म किया जाए, क्योंकि उस समय जो शिक्षक भर्ती अलग से होती थी, उस शिक्षक भर्ती में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आता था और राजस्थान का लोकल सामान्य ज्ञान आने से राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिलता था, जिससे बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन कम होता था। माननीय वसुंधरा राजे जी ने घोषणा की कि मेरी सरकार आई तो मैं आरटेट खत्म कर दूंगे, 15 लाख नौकरियां दूंगे। दोस्तों, समय सापरा जो तहसील है हमारी विधानसभा क्षेत्र, वहां खेजरोली में माननीय वसुंधरा राजे आई थी, मैंने एक तलवार दी, करीब 3,3200 रुपए की वो तलवार थी और मैंने कहा आपकी सरकार आए तो इस बेरोजगारी को तलवार से काट देना और बेरोजगार को रोजगार दो और ये आर्टिट खत्म होना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का बयान था आर्टिट खत्म कर दूंगी। सरकार आई और सरकार दिसंबर में आई, जनवरी चला, जनवरी में हमने ज्ञापन दिया, इंतजार हमने महीना भर किया। मुझे आज भी याद है कि हम मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिला तो उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कालीचरण साहब से मिलिए, मेरी तबियत खराब थी, मेरे साथी कुछ शिक्षा मंत्री जी के पास गए। क्योंकि दोस्तों, थोड़ा सा मैं वापस बैक में जाना चाहूंगा, कुछ बात मैं बताना भूल गया था कि जो विकास कुमार की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी तो उसमें स्टे आने के बाद फैसला नहीं आया था, केवल स्टे आया था हाईकोर्ट के आदेश पर, तो वो नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता खुल गया था, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी थी जो वंचित रह गए थे 2012 में। लेकिन विकास कुमार याचिका के बनाम एक विज्ञप्ति 20,000 पदों पर निकाल दी कांग्रेस सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अध्याधीन ये भर्ती रहेगी, यदि 60% का होगा तो हम 60% के आधार पर ज्वाइनिंग देंगे और विज्ञप्ति 36 थी उसके आधार जो होगा वो कोर्ट के आदेश विकास कुमार फैसले के अध्याधीन ये भर्ती रहेगी। उन्होंने 11 अक्टूबर 2013 को
20,000 पदों पर वैकेंसी की परीक्षा करवाती आयोजित करवाती है। दोस्तों दिसंबर में सरकार का परिवर्तन हुआ, मैंने जो बताया समर्थन दिया, परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन होने के बाद हम मांग कर रहे थे कि 2013 की जो भर्ती 20,000 पदों पर जिसके एग्जाम होते उसका परिणाम जारी किया जाए और उसको जारी करवाने की मांग को लेकर हम कभी लगातार ज्ञापन दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप खाली चंद साहब से मिलिए। उस समय मेरी तबियत खराब थी, मैंने मेरे साथियों को कुछ को भेजा तो उस समय मेरे साथियों के किसी गार्ड ने धक्का मार दिया, छाती गिर गया और उसको यहाँ ब्लड आ गया। उसने फोन किया कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। मैं बीमार होते हुए भी वहां से उठा, उस समय मेरे पास बोलेरो गाड़ी थी, गाड़ी में बैठे और शिक्षा मंत्री जी माले नगर में थे, एक पुरस्कार समारोह था, वहां हम गए, स्टेज पे चढ़ गए, हंगामा करने लगे। हंगामा करने लगे तो उसके बाद भर्ती को लेकर अखबार में आए कि बेरोजगार स्टेज पे चढ़ गए, हंगामा हुआ, माइक से कोसाकसी झड़प, जो भी चीजें मीडिया में। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि कुछ लोग मीडिया में आना चाहते हैं और जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं, उल्टा उनका बयान आया, जोश था, गुस्सा आया। और दूसरे दिन ही वो तारीख थी 3 फरवरी 2014, दूसरे दिन ही हम 4 फरवरी को बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी का पुतला जला दिया। पुतला जलाते ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से हमारी झड़प हो गई, उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से हमें पीटा, बेरोजगार, बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को उछाला और मैं जाके अनशन पे बैठ गया कि बेरोजगार को पीटा। उसके बाद समझौता हुआ, मुझे बुलाया गया, क्योंकि बीजेपी को समर्थन दिया था, उनको लगा कि शायद हमारे साथ हैं, लेकिन सत्यात्मक यही है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। संघर्ष कांग्रेस समय से स्टार्ट हुआ था, बीजेपी की सरकार के आते ही संघर्ष स्टार्ट हो गया, समर्थन दिया था। उसके बाद कि 2013 का परिणाम हम कैसे निकाले, सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती लंबी था, हम कैसे निकालते, चुनौतियां बहुत थी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी और एजुकेशन सेक्रेटरी से मुलाकात करके उनके सामने मैंने बात रखी कि आप 60% से ज्यादा वालों को ज्वाइनिंग दे सकते हो, नीचे वाले की सीट वैकेंट कर दीजिए। मेरी बात, मेरी जो सुझाव उनको पसंद आया और उसने 60 से कम वालों की सीट वैकेंट कर दी। 60 से कम वाले मेरे खिलाफ हो गए कि उपेन यादव 60 से ऊपर वालों को ज्वाइनिंग दिला दी, हमें भी ज्वाइनिंग मिल सकती थी, हमने साथ धोखा किया। लेकिन उस समय मेरा फर्ज था जिनको ज्वाइनिंग मिले उनको तो समय पर मिले, जो लटक रहे तो वो तो वैसे भी लटक रहे थे, कम से कम उन लोगों के साथ गलत तो नहीं हो। लेकिन 60 से कम वालों को मैंने वादा किया कि मैं जान दे दूंगा लेकिन आपको ज्वाइनिंग दिला के रहूंगा, मेरा वादा है। और खुला चैलेंज दिया था मैंने कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा यदि केस हार गया सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं जीत कर आपको ज्वाइनिंग दिलाऊंगा। क्योंकि उस समय चर्चा यही थी सब जगह कि सुप्रीम कोर्ट 60% करेगा या 55 करेगा, विज्ञप्ति नहीं करेगा, 40-45 नहीं करेगा, कई लोग बाहर होंगे, लगे हुए बाहर। उस समय मैंने खुले में चैलेंज दिया था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, केस हार जाऊंगा। दोस्तों लगातार संघर्ष हमारा चलता रहा, शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, दूसरे शिक्षा मंत्री जी आए, उनको घर में कैद कर दिया, छत पे चढ़ गए, लाठी चार्ज, हंगामा चलता रहा, अनशन किया। पूर्व शिक्षा मंत्री, उस समय शिक्षा मंत्री तत्काल वासुदेव देव, अरुण चतुर्वेदी ने SFS में जाकर मेरा अनशन तोड़वाया। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई तो या तो वकील नहीं पूछता या फिर धीरे धीरे तारीख बढ़ने लगी। फिर हमने एडवोकेट उतारे और हमारे बलबूते हमने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता और 2013 और 12 के वो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। 2013 वाले भी करीब 7-8 हजार लोग थे, वो भी उनको भी नियुक्ति मिली जो कभी सोचते नहीं थे हम जीतेंगे। दोस्तों ये सारी स्टोरी मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि मैं आरटेट खत्म कर दूंगी, वो विवाद था आरटेट का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पता चला कि आरटेट तो खत्म हो ही नहीं सकता, ये NCT का नियम है, पूरे देश में ये लागू है। तो कुछ अधिकारियों ने उनको ये कहा कि अब आरटेट की जगह अब शिक्षक भर्ती को खत्म कर दीजिए और आरटेट का नाम रीट रख दीजिए, जबकि उस समय हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पक्ष में थे क्योंकि उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता था। दोस्तों केवल आरटेट का नाम रीड कर दिया गया, आरटेट को खत्म नहीं किया गया और शिक्षक भर्ती को खत्म कर दिया गया जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर आता।
हमने विरोध किया। 9 अक्टूबर 2015 को बीजेपी कार्यालय में 5000 व्यक्ति हम इकट्ठे हुए, हमने कहा कि रीट में सामान्य ज्ञान नहीं आएगा, दस्ताना वालों को नंबर नहीं आएगा, जो जिनके पास 2012 का जो सर्टिफिकेट है वो जो लग चुके वो वापस आएंगे, नहीं अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। और जो एनसीटी का जो सिलेबस है उसे तो हर कहीं किसी भी राज्य का व्यक्ति तैयारी करके लग जाएगा। 9 अक्टूबर 2015 को मेरे सिर फटा, 5 टाक है भी जिलकाल काम का हुआ। ये लड़ाई यही नहीं थमी, मैं अमर अनशन पे बैठ गया, आईसीयू में चला गया। तब वसुंधरा राजे जी ने कहा, बयान दिया कि हम लोग एनसीटी के नियम में बंधन में बंधे हुए हैं, हम लोग सिलेबस चेंज नहीं कर सकते, न सामान्य ज्ञान इस पे जोड़ सकते हैं, हमने एक एग्जाम का वादा किया था वो कर दिया है, इसलिए सरकार पीछे नहीं हटेगी। उस समय रीट 2015 का आयोजन हुआ 7 फरवरी को, वो भी लटकती रही कोर्ट में, उसको हमने लड़ा, सबको ज्वाइनिंग दिलाई। 2016 में उसकी ज्वाइनिंग, 16-17 में उसकी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद 11 फरवरी 2018 को एक और एग्जाम हुई। उस समय जो फार्मूला था आरटेट पात्रता परीक्षा थी, लेकिन उसका 30% वेटेज जो शिक्षक भर्ती के 70% दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाती थी, 30% आरटेट का और 70% तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, वो मेरिट बनाकर फाइनल मेरिट रिजल्ट निकाला जाता था। अब दोस्तों लाठीचार्ज अनशन के बाद हमने सोचा, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि मेरी मजबूरी है, हम एनसीटी के नियम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद 2015-16 भर्ती हो गई, 2018 वाली हो गई। अब बात चल रही है 2020 की। एक चीज और बता दूं, उस समय हम लगातार विरोध कर रहे थे, हमारा संघर्ष नहीं रुका, हम जेल जाते रहे, लटकाते रहे, अनशन करते रहे। हमने विरोध किया कि जो लग चुका है वो वापस उस प्रमाण पत्र से नहीं आए, क्योंकि हम विरोध कर रहे थे 12, 13 और 16 के सर्टिफिकेट से 2018 की भर्ती ना रहे। हम विरोध कर रहे थे बीए के वेटेज के लिए, कि बीए का जो स्नातक का वेटेज है, फर्जी डिग्रियां लोग लेके आ रहे थे स्नातक की और एडिशनल डिग्री और बीए की। योग्य अभ्यर्थी जो 120 से 22 नंबर लेके वो बाहर जा रहा था, क्योंकि उसके बीए में कम थी। आज भी कई लोगों के 55-60-65 हो गए, लेकिन कई लोगों के पास 90-95% की डिग्री आज भी रखी है, 50,000-60,000 रुपये में डिग्री लेके आते फर्जी, और वो उसका फायदा उठाकर नौकरी पहले भी कई लोग कर रहे हैं, उनकी जांच हो, कई लोग फर्जी पाए जाएंगे, जांच नहीं हुई और अभी भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। 7 जून 2018 को मैं जेल में डाला गया था, 18 या 19 है, अशोक नगर थाने में मैं जेल में डाला गया था, 18 क्योंकि हम वेटेज का विरोध कर रहे थे। फिर एक सियासी रंग आया, शिक्षक भर्ती 2018 का मामला था, हाई कोर्ट पे सुनवाई पे सुनवाई पे सुनवाई लगातार, कभी सेकंड ग्रेड का धरना अजमेर में, अजमेर जाता श्याम, वापस वहां से हाई कोर्ट आता, और बहुत तरीके से, कभी जोधपुर लेवल फर्स्ट जोधपुर से आगे लगातार संघर्ष के बाद उस भर्तियों को कोर्ट से निकाला। चुनाव आ गए, दिसंबर में चुनाव होते हैं, लेकिन लेवल सेकंड तो सुलझा, लेकिन लेवल फर्स्ट में पिछली सरकार के द्वारा एडवोकेट नहीं उतारा गया, और एकल पीठ में जीतने के बाद डिवीजन बेंच में स्टे आ गया, यानी कि खुशियां मिल चुकी थी, खुशियों पर वापस ग्रहण लग चुका था। अब चुनावी माहौल में एक राजनीतिक मुद्दा गर्मा गया। उस समय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील शर्मा जी ने एक लेटर लिखा चुनाव आयोग को, क्योंकि काफी अभ्यर्थी जो लोग चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया रोके, उन्होंने लेटर दिया कि भर्ती में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग का कहा कि पारदर्शिता रखती है, इनको ज्वाइन दिया या रोकी जाए। लेकिन उस समय चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता, उससे पहले कोर्ट ने स्टे दे दिया, क्योंकि पिछली सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में एडवोकेट नहीं उतारा गया था, भर्ती प्रक्रिया रुक गई। लेकिन पिछली सरकार को मिल गया वो सुशील शर्मा का लेटर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और वसुंधरा राजे जी, तमाम प्रदेश राष्ट्रीय नेताओं ने उसको इश्यू बनाया, हर जगह एक आवाज थी कि कांग्रेस ने 26,000 बेरोजगारों के भविष्य पे लात मारी, उनका रोजगार रोकने का कांग्रेस कर रही है। पूरी कांग्रेस सरकार बैकफुट पे थी। हम 5 साल पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी सरकार में संघर्ष कर रहे थे, यौम आक्रोश था, दुखी थे, परेशान थे सिस्टम को लेकर।
ऐसे में तत्कालीन जो उस समय भी थे अभी भी हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, उनके ओएसडी का फोन आया, क्या मामला है? मैंने उनको समझाया कि आप लिखित में दो कि आपकी सरकार आएगी तो वो करेंगे, तो उन्होंने मुझे लिखित में लेटर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 26,000 को प्राथमिकता के साथ भर्ती को पूरा करेंगे। और आप क्या चाहते हो? मैंने कहा कि इसमें तमाम विसंगतियां, हम चाहते वेटेज खत्म स्नातक का, हम चाहते कॉमर्स वालों को शामिल किया जाए, हम चाहते एमए के आधार पर बीएड करने वालों को शामिल किया जाए, हम चाहते हैं पीएचपी की जिन्हें 50% कम है बीएड बीएमए जो बीएड कर चुके उनको शामिल किया जाए, हम चाहते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा है जो लोगों को ज्यादा मौका मिले। तमाम विसंगतियों को हमने घोषणा पत्र में डाला, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने डाला भी कि रीट की तमाम विसंगतियों को प्राथमिकता के साथ दूर करेंगे। आज जो लोग कह रहे हैं कि हमने आपको सबसे पहले बताया, डाकिया कोई भी बन सकता है, लेकिन संघर्ष के बलबूते बदलाव करवाना, सरकार से मिलकर बात करना, मांगे मनवाना, वो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। हमने घोषणा पत्र डलवाया, कांग्रेस सरकार आई, हमने संघर्ष किया, जो कोर्ट में 26,000 भर्ती लटकी पड़ी थी, हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिले और एडवोकेट जनरल को करवाकर कोर्ट से स्टे हटवाकर उन लोगों को जोनिंग दिलवाई। उसके बाद हम लगातार मांग कर रहे थे कि रीट की भर्ती निकाली जाए, रीट की भर्ती निकाली जाए और विसंगतियां दूर की जाए। फर्स्ट ग्रेड का आंदोलन चल रहा था, 24 दिसंबर की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बुलावा आया था, मैं वहां गया, करीब 7:30 का टाइम था, वो वीडियो मेरे फेसबुक पे आप देख सकते हो, करीब 8:08 या 10 का वीडियो मैंने डाला था 24 दिसंबर का 2019 की बात कर रहा हूं, और शिक्षा मंत्री जी पास में बैठे, मैं वहां वीडियो बना रहा हूं कि दोस्तों नमस्कार, ये शिक्षा मंत्री जी, हम इनमें आएंगे संगतियां, जो भी सारी चीजें वो ऑथेंटिक प्रमाण आप देख सकते हो कि उस समय हमने विसंगतियां बताई और शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कि हमारे हम लोग वेटेज खत्म करेंगे। क्योंकि दोस्तों वेटेज इसलिए हटाने की मैं मांग कर रहा था कि लेवल टू में वेटेज जो फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे हैं उनके पास 95% की डिग्री आज भी है, आप योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता। आप रीट में बहुत ज्यादा नंबर लाओगे लेकिन बीए का दोबारा थोड़ी बना सकते हो। इसके अलावा जो लोग लग चुके थे वो इसी प्रमाण पत्र से वापस आ रहे थे क्योंकि वो वैलिड था 3 साल तक। कॉमर्स तमाम मांगे रखी, शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया उसी दिन 24 दिसंबर को, और उसके बाद मैंने करीब 10 बजे एक वीडियो डाला, आप फेसबुक पे देखना, कि शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई है और लेवल टू का एक विषय का पेपर और हो सकता है। सबसे पहले वार्ता के बाद मैंने डाला, कुछ लोग कह रहे कि हमने ये किया वो किया, वो केवल आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये सारे तथ्यात्मक प्रमाण मेरी फेसबुक पर जाकर 24 दिसंबर की शिक्षा मंत्री जी की वार्ता की वीडियो पोस्ट और मेरा वीडियो देखिए, और जो मैंने बोला है पायलट साहब का लेटर वो भी फेसबुक पे मिल जाएगा, जो हमने समर्थन दिया वो भी फेसबुक मिल जाएगा, और जो मुद्दा उठा कांग्रेस वाला वो भी मिल जाएगा, और जो एडवोकेट जनरल के लिए हजारों की संख्या मिला वो तमाम जो चीज बोल रहा हूँ वो फेसबुक पे आपको मिलेगी। जो संघर्ष की जो बातें कर रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री को हमने उनका घर पे घेरा होकर, तमाम चीजें फेसबुक पे मिलेगी, जो हमने संघर्ष किया वो हकीकत आप लोगों को रूबरू करा। अब दोस्तों लगातार मीटिंग हो रही थी, लेकिन जो मीटिंग हुई, जो पिछली मीटिंग हुई उस मीटिंग में तमाम अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की शिक्षा मंत्री जी ने कि जो पहले का जो पैटर्न था 2012-13 में कांग्रेस का, उसमें क्या कमी थी, क्या पैटर्न था। अधिकारियों ने बताया 2 एग्जाम थी, जिला परिषद के द्वारा एग्जाम हुई थी, लेकिन उसमें प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ था, अलग अलग जिलों के अलग अलग मेरिट थी, तो कई विवाद हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2 एग्जाम करवाएं या एक ही एग्जाम करवाएं तो वेटेज कितना रखें, बीए का वेटेज हटाएं कि नहीं हटाएं, कॉमर्स वालों को कैसे शामिल किया जाए, एमए के आधार के बेटों को कैसे शामिल किया जाए, तमाम इश्यू पर चर्चा हुई और लास्ट में कहा कि आप नोट बना के लिए और फाइनल वही किया जाएगा। तो अब आपके लिए अच्छी खबर यह है कि नोट लगभग तैयार हो चुका है, अब शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग का इंतजार है, एक बार शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल कह रहे हैं कि वो उनसे भी राय करेंगे, उसके बाद फाइनल होगा। जिन लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि 2 पेपर से उनको नुकसान है, हालांकि मैंने वेटेज स्नातक में हटाने का संघर्ष हमारा था जो कामयाब हो रहा है, सामान्य ज्ञान शामिल करने के लिए मांग हम लगातार कर रहे थे, कॉमर्स के अभ्यर्थियों को मौका दिलाने की मांग हो, विशेष शिक्षकों को पद निकालने की भी मांग कर रहे थे, तो तमाम मांग हम लगातार कर रहे थे।
शिक्षा मंत्री जी अपना वादा पूरा करना चाहते इस चक्कर में, बोले कि वेटेज कैसे हटे स्नातक का, फर्जी डिग्री वाले कैसे बाहर हो, तो उस वादे के चक्कर में थोड़ी सी देरी हुई है, तमाम अधिकारियों से राय मांगी है। हो सकता है दो एग्जाम हो जाए, आरपीएससी या किसी संस्था से सेकंड पेपर का बेस्ट पेपर माध्यमिक या बोर्ड से करवा दे, सेकंड पेपर यदि होता है तो पंचायत राज विभाग करवाता है, बीकानेर करवाती है या कोर्सी संस्था करवाती है, वो भी तय होना है, क्योंकि इसमें बदलाव कर सकते हैं, प्रदेश स्तरीय मेरिट वो बना सकते हैं। तो दोस्तों दो एग्जाम भी हो जाए, 95 पास या 90-10 हो जाए, वो भी हो जाए जो हम मांग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सामने आई थी, यदि हम लोग दो एग्जाम करेंगे तो वो लेवल टू का ही नहीं होगा, लेवल फर्स्ट वाले तो ये कई अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाएंगे, हम करेंगे तो दोनों ही लेवल की दो एग्जाम करेंगे। यदि पहले वाला ही पैटर्न लागू करेंगे 2012 और 13 वाला, तो वही दो एग्जाम। तो अब फाइनल होना है, हालांकि कई लोगों के दिल में कई लोग कमेंट करें को पेन यादव दो एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को बता दूं मैं तो दो एग्जाम नहीं करवाना चाहता, मैं तो चाहता हूं वेटेज समाप्त हो, मैं चाहता हूं कॉमर्स एमए के आधार पर बीएड करने वाले और जो टीएसपी के जो अभ्यर्थी सबको राहत मिले, मैं चाहता हूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा है, जो राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा मौका मिले। और ये चीजें सारी चीजें दो पेपरों में भी संभव होने पर ही हो सकती है, इसके अलावा वेटेज 95 हो, सामान्य ज्ञान नहीं जुड़ेगा, वेटेज कम हो सकता है। अब कॉमर्स वालों कैसे शामिल करें वो भी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अब एक दिमाग से एक बात निकाल दूं, मान लीजिए दो एग्जाम हो जाती है, लेवल और फर्स्ट की, सेकंड के, फर्स्ट और सेकंड। पहला फायदा, जो लग चुके हैं वो वापस आते हैं तो उनका प्रमाण पत्र केवल आरटेट एक पात्रता एग्जाम कहलाएगी, जैसे रीट पात्रता होगी तो वो दोबारा नहीं आ सकते, जिससे आपकी भर्ती में वो ज्यादा सीटें खराब नहीं करेंगे, आपका फायदा होगा। दूसरा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा ज्यादा आएगा तो आप लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि सेकंड पेपर में 60% राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तीसरा, आरटेट होगी 60% होगी तो पढ़ने वाले अभ्यर्थी पहली परीक्षा पास हो पाएंगे, कचरा छटेगा, योग्य अभ्यर्थियों को दूसरे एग्जाम में मौका मिलेगा। जो एडिशनल डिग्री और जो बीए की डिग्री फर्जी लेके आ रहे हैं उस पर बिल्कुल रोक लग जाएगी, उन पर बिल्कुल रोक लग जाएगी और योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कुछ लोगों का यह सवाल है कि इसमें दो परीक्षा में बहुत टाइम लगेगा, अब कौन सा टाइम कम लग रहा है, एक एक भर्ती में दो दो तीन तीन साल लग रहे हैं, 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2020 हो चुके हैं, पूरी नहीं हो पाई, जबकि उस समय 2012 वाली भर्ती 2013 में कंप्लीट हो गई थी, 13 में एक और वैकेंसी आ गई थी। वो तो सिस्टम के ऊपर है, सिस्टम को हम सबको मिलकर सुधार करवाना होगा तो समय पर आरटेट पात्रता हो गई, दूसरी एग्जाम हो सकती है। लेकिन दूसरे एग्जाम होने से एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60-70% आएगा, जो आपको फायदा होगा, एक फर्जी डिग्री एडिशनल डिग्री पे रोक लगेगी, एक जो लग चुके वो वापस नहीं, आप लोगों के हित में है दो एग्जाम होती है। तो इसके अलावा मैंने दोनों चीजें रखी है, लेकिन मैंने प्राथमिकता ये दी है कि 90-95 हो, जिससे जल्द समय में एग्जाम हो सके, जल्द समय नियुक्ति प्रक्रिया हो सके। लेकिन मैंने कहा कि वो आपको लगता है असंभव है, उन्होंने कहा कि हम लोग 90-95 या 90-95-10 इतना कम वेटेज बीए स्नातक का करेंगे, कहीं कोर्ट में ना टक जाए, क्योंकि 30% ज्यादा था, क्योंकि वो दो भर्तियां हो चुकी है। तो मैंने कहा छात्रवृत्ति में फैसला होना चाहिए, यदि दो एग्जाम भी होती है समय पे होती, कैलेंडर जारी हो जाता कि कब आरटेट होगा या रीट होगी, कब शिक्षक भर्ती होगी, विषय अनुसार किस विषय के पद कितने होंगे, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, वो कैलेंडर पहले जारी कर दे तो लोग तैयार है, क्योंकि पहले दो अगस्त का इंतजार कर रहे थे लोग, अब 2 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं और अभी 30 तारीख फिक्स नहीं है। फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख को एग्जाम होगा, इतने दिन बाद परिणाम आएगा और इतने दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जिससे बेरोजगार सही ढंग से तैयारी कर सके। और हजारों की संख्या में अभी पद खाली है तो 31,000 से पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ये मांग भी हमने प्राथमिकता के साथ की है। कैलेंडर जारी हो, पैटर्न जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और तमाम विसंगतियां उन लोगों को शामिल किया जाए, ये चीजें उनके सामने रखी है। अब एक मीटिंग होने का इंतजार है, उसमें फाइनल हो जाएगा पैटर्न। संभावना है कि दो एग्जाम भी हो जाए, जिन लोगों के दिल में यह डर है कि दो एग्जाम से नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, आप लोगों का हित ही होगा, मेरा मानना व्यक्तिगत। इसके अलावा एक एग्जाम होता है 95 या 90-10 होता है तो भी आप लोगों को फायदा होगा। सरकार को तय करना है कि दोनों पैटर्न में कौन सा पैटर्न तय करना है, लेकिन दोनों पैटर्न में आपका फायदा है, नुकसान उसी में था कि जो
70-30 वाला था, वो 70-30 हटेगा। यदि दो एग्जाम होगी तो लेवल फर्स्ट के भी दो एग्जाम होंगे, तो लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों को, लेवल टू के अभ्यर्थियों को घबराना नहीं चाहिए। दो एग्जाम हो तो दो एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन हमें सिस्टम को लेकर हम लड़ाई लड़नी होगी, समय पे उसका एग्जाम हो, परिणाम आए, ज्वाइनिंग लिए कैलेंडर जारी हो, इसलिए क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा तो आपको मौका मिलेगा। आज भी मुझे सीएमओ में बुलाया गया था, आज भी मैं आपकी बात मजबूती से रख के आया हूं, लेकिन सवाल यह है कि कोई चाहता है दो पेपर हो, कोई चाहता है कि मेरे तो रीति में ज्यादा है एक ही पेपर हो। अरे भाई किसका पक्ष रखे, गाली तो कोई देगा ओपिनियन, लेकिन यह है कि आर्टेट भी होती है, दो एग्जाम भी होती है, तो 30% तो पहले वाले रीट का भी जोड़ा जाएगा ना। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 11 फरवरी 2018 को वैधता खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि कोर्ट में जाके साहब इन्होंने भर्ती करवाई थी, एनसीटी का नियम है हर साल वैकेंसी होनी चाहिए, तो अटकाने वाले बहुत है। इसलिए दोस्तों शांति से बैठे रहे, अच्छा निर्णय होगा, आपके पक्ष में होगा। ये तमाम दलीलें, तमाम तथ्यात्मक चीजें इसलिए बताइए, संघर्ष किया है और संघर्ष से 2012, 2013, 2016, 18 भर्ती हमने हमारे दम पे, हमारे संघर्ष से पूरी करवाई है। जो लोग आज YouTube पे चैनल पे जो बातें करें उनको एबीसीडी का पता नहीं है, हम बैठ के वार्ता की है, जेल गए, अनशन किया है और आज फाइनल परिणाम भी सामने आया है, और जो संघर्ष कर रहा वो भी कामयाब होगा, जल्द विज्ञप्ति भी जारी होगी, पैटर्न भी जारी होगा, हो सके तो हम कोशिश करेंगे कि पद भी बढ़े। किसी को नहीं कहते कि भाई तू टंकी पे चढ़ जा, किसी को नहीं कहते भाई तू उठ के भाग जा, हम लट खाते तो खुद सबसे आगे मैं रहता हूं, अनशन करता हूं तो मैं रहता हूं, और जहां जान देने की बात आएगी तो मैं दूंगा जब तक बेरोजगार महासंघ में, क्योंकि प्रवक्ता हूं, यह भी छोड़ दिया, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैंने संयोजक के अध्यक्ष के बाद संयोजक छोड़ा, प्रवक्ता भी छोड़ सकता हूं, कई मजबूरी होती है, लेकिन जब तक हूं सीना के काम करूंगा, यह मेरा वादा है दोस्तों। इसके अलावा आपके मन में भी कोई सुझाव हो तो मुझे बताना, मैं सरकार तक जरूर पूछूंगा, लेकिन जो होगा आपके हित में होगा। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।